गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम इन योर बायो क्लास. सो टुडेज़ टॉपिक इज़ बायो जियो केमिकल साइकिल. बिफोर स्टार्ट बायो जियो केमिकल साइकिल, वी जस्ट इंस्ट्रक्ट यू अबाउट कोविड 19 बिहेवियर. देर इज़ नो कोविड 19 वैक्सीन, सो यू हैव टू फॉलो थ्री रूल्स. फर्स्ट वन इज़ वेयर मास्क. वैन सेकेंडली अवॉइड टू गो इन क्राउडेड प्लेस. थर्ड, use sanitizer time to time and wash your hand. So these are the three basic rules. From follow this rule, you can protect yourself and your family from COVID-19. So student, we continue our chapter. So last video we have just discussed about soil, mineral riches in soil. We have discussed weathering process. We have discussed type of soil. We have discussed soil nature and different type of force which are present in soil, and means soil is rich in different type of minerals. So this we have completed. Now today we will start biogeochemical cycle. Biogeochemical cycle, before we start biogeochemical cycle, we just discuss what is biogeochemical cycle. Biogeochemical cycle is a constant interaction between the biotic and abiotic components of the biosphere makes it is dynamic. But stable system, these interaction consist of transfer of matter and energy between the different components of the biosphere. These are called as biogeochemical cycle. Means जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारा बायोस्फीयर फॉर्म कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है. ठीक है, लेकिन एक स्टेबल सिस्टम है. तो ये स्टेबल क्यों है, हमारा एटमॉस्फेयर स्टेबल क्यों है? क्योंकि कंटिन्यूस एक साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूस चल रहा है, जो कि हमारे सिस्टम को और बायोस्फीयर को क्या बना रहा है, स्टेबल बना रहा है. ठीक है ना, तो इसमें कौन से, ये बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से बेसिकली साइकिल हैं. तो फर्स्ट वन वी टेक द वाटर साइकिल. बेसिकली वाटर साइकिल क्या है, वाटर किस तरीके से एनवायरनमेंट में साइकिल्ड हो रहा है, तो इसके लिए बेसिकली तीन मेन प्रोसेस हैं. फर्स्ट प्रोसेस इज वाटर एवोपोरेशन. ठीक है, वाटर एवोपोरेशन कहाँ से हो रहा है, वाटर बॉडी से हो रहा है. ठीक है, तो पहले वाटर एवोपोरेशन हुआ, वो एयर पर गया, एयर पर फिर वो कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई, कंडेंसेशन के बाद जो क्लाउड्स है वो रिच ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए. ठीक है, और जब वो उससे पूरी तरीके से ड्रॉपलेट्स हो गए, तो वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेट होने लगे. किसके फॉर्म पर, रेन के फॉर्म पर. तो देयर आर थ्री प्रोसेस और थ्री हैपनिंग्स गोइंग ऑन इन वाटर साइकिल. फर्स्ट वन इज एवेपोरेशन, सेकेंड वन इज कंडेंसेशन, एंड थर्ड वन इज प्रेसिपिटेशंस. सो देयर वन साइकिल इज गिवन देयर 14.5 वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या हुआ, ये सी दिस इज फिगर, दिस वन इज वाटर रिसोर्सेज. वाटर रिसोर्सेज, द वाटर एवोपरेट फ्रॉम वाटर रिसोर्सेज एंड गोज इन इन अ क्लाउड. ठीक है, अपर साइड पर, ऊपर की साइड पर जा रहे हैं, और ऊपर जाते जाते ये कैसे होने लगता है, ठंडे होने लगते हैं. ठीक है, तो जब वाटर वेपर्स जब कोल्ड होने लगती है, तो दिस इज अ कॉल्ड एज वन हैपनिंग, इट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. ये वॉट उस पर जाके क्या हो गया, कंडेंस्ड हो गया वाटर. और जब वाटर बहुत कलर होकर कंडेंस्ड हो गया, तो वाटर बहुत ज़्यादा क्लाउड्स जो हैं वो रिच वाटर क्या रेनिंग है. इसलिए हमारी वाटर बॉडीज हमेशा मेंटेन हैं, क्योंकि उसमें वाटर एवोपरेट भी हो रहा है, तो वाटर उसमें वापस भी आ रहा है. दिस इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल को अगेन वी जस्ट डिस्कस इन बुकिश लैंग्वेज. फर्स्ट बी वाटर रिटर्निंग इन द वाटर बॉडीज, द होल प्रोसेस विच वाटर एवोपोरेट एंड फेल ऑन अ लैंड एंड रेन, द लेटर फ्लोज बैक इन टू द सी बाय रिवर इज नोन एज
वाटर वाटर साइकिल। वाटर की डेफिनेशन क्या है कि द होल प्रोसेस इन विच वाटर एवेपोरेट एंड फॉल ऑन द लैंड एज अ रेन एंड लेटर फ्लो बैक इन टू द सी बाय रिवर इज नोन एज वाटर साइकिल। दिस साइकिल इज नॉट अ स्ट्रेंथन फॉरवर्ड एंड सिंपल एज दिस स्टेटमेंट seems to imply. All of the water that fall on the land does not immediately flow back into a sea. Some of it sweeps into the soil and become part of the underground reserve of the fresh water. कुछ पानी तो कुछ water किस पे चला जाएगा, वो oceans वगैरह पे flow कर जाएगा and कुछ water underground हो जाता है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर जो वाटर रिचार्ज भी करता रहता है, स्प्रिंग्स वगैरह फॉर्म करता है। इट इज़ वे टू सरफेस थ्रू स्प्रिंग्स और वी ब्रिंग इट टू द सरफेस ऑफ अवर यूज थ्रू वेल एंड ट्यूब वेल्स। वाटर इज ऑल्सो यूज टू टेरिस्ट्रियल एनिमल एंड प्लांट फॉर वेरिएशन लाइफ प्रोसेस। क्लियर। Let us look at another aspects of water. What happened to water during the water cycle? We know water is capable of dissolving of large amount of substance. It is good solvent. और इसमें बहुत सारे substance dissolve हो सकते हैं. As water flow through or over rocks containing soluble minerals, some of them get dissolved in water. The river carry many nutrients from the land to the sea and these are used by marine organisms. This is called as water cycle. एक cycle और हम लोग आगे increase करेंगे, it is nitrogen cycle. Nitrogen cycle is very important. Nitrogen gas makes up 78% of our atmosphere. हमारे atmosphere में जो nitrogen होती है, it is in gaseous form. किसके फॉर्म पर होती है? गैसेस फॉर्म पर होती है और गैसेस फॉर्म पर होने कारण इट इज़ नॉट यूजेबल बाय प्लांट्स एंड एनिमल। ये फ्री नाइट्रोजन है और प्लांट्स और एनिमल के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अभी किस फॉर्म पर प्लांट्स और न्यूट्रिशन के उसमें प्लांट्स के पास आ रही है, लेट अस वी डिस्कस। तो 70% ऑफ द अवर एटमोसफियर एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स एसेंशियल फॉर लाइफ लाइक प्रोटीन। नाइट्रोजन साइकिल क्यों इम्पोर्टेंट है? तो नाइट्रोजन का क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट थिंग कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज इट्स फॉर्म अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए एंड सम विटामिन्स। कुछ डीएनए, आरएनए, कुछ विटामिन्स, प्रोटीन्स जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो सब कंटिन्यूसली हमको किससे मिलते हैं? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन इज फाउंड इन अदर बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस कंपाउंड सच एज एल्कलाइड्स एंड यूरिया ऑल्सो। नाइट्रोजन इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ वुड बी सिंपल इफ ऑल दीज लाइफ फॉर्म्स कुड यूज द एटमोसफियर नाइट्रोजन डायरेक्टली। तो इस तरीके से नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यदि हम फ्री नाइट्रोजन को लेने के लिए कैपेबल होते तो लाइफ बहुत इजी थी, बट ऐसा नहीं होता है। जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन कैसे नाइट्रोजन है? फ्री नाइट्रोजन, ठीक है। और ये नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में से हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, इसके डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स के फॉर्म पर नाइट्रोजन यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। देर आर सम फ्यू फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, लाइफ फॉर्म्स आर नॉट एबल टू कन्वर्ट कंपैरेटिवली इनर्ट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इनटू फॉर्म लाइक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स। क्या है कि नाइट्रोजन, अभी हमने आपको बताया ना कि फ्री नाइट्रोजन होती है और इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये इनर्ट नाइट्रोजन है, ठीक है ना। तो इसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स फॉर्म में आना चाहिए, दैट वी कैन टेकन अप एंड यूज टू मेक द रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो इसके लिए एक और लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, वो हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या है वो? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? दे मे फ्री लिविंग और इन एसोसिएट विद सम स्पीशीज ऑफ डायकॉट प्लांट्स। किससे अटैच होते हैं ये? डायकॉट प्लांट्स से ये
अटैच होते हैं. क्लियर. मोस्ट कॉमनली द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन रूट्स ऑफ लेग्यूम्स. जो लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं रूट्स पर ये प्रेजेंट होते हैं और एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज रूट नोड्यूल्स. क्या कहलाते हैं ये रूट नोड्यूल्स. ये रूट नोड्यूल्स में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं ये हेल्पफुल हैं नाइट्रोजन के फिक्सेशन पर. अदर देन दीज बैक्टीरिया द ओनली अदर मैनर इन विच द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स इज बाय अ फिजिकल प्रोसेस. ठीक है. और इस मैनर से जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स जो हैं वो कन्वर्ट होते रहते हैं ड्यूरिंग लाइटनिंग. अब कैसे स्काई में नेचुरल वे में कैसे हो रहे हैं ड्यूरिंग लाइटनिंग. द हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर क्रिएट इन एयर कन्वर्ट नाइट्रोजन इंटू ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन. जब लाइटनिंग होती है तो उसमें हाई प्रेशर रहता है. ठीक है ना. टेम्परेचर रहता है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती है. दीज ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर. ये ऑक्साइड्स वाटर में डिजॉल्व होकर क्या बनाए इन्होंने नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड. और ये नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड जब लैंड पर फॉल होते हैं अलॉन्ग विद अ रेन दिस इज कॉल्ड एज रेनफॉल. ठीक है. ऑन दीज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एसिड्स यूटिलाइज बाय वेरियस लाइफ फॉर्म्स. और यही वेरियस लाइफ फॉर्म्स के थ्रू यूज होते हैं. ठीक है. व्हाट हैपेंस टू द नाइट्रोजन इट इज कन्वर्ट इनटू फॉर्म एंड कैन बी टेकन एंड यूज टू मेक नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स. अब क्या हुआ ये नाइट्रोजन तो पूरी नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स के फॉर्म पर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म पर यूज़ हो रही है. अगेन ये एनवायरनमेंट में कैसे रिटर्न हो रही है क्योंकि रिटर्न होना रिक्वायर्ड है. यदि नाइट्रोजन रिटर्न नहीं होगी तो हमारा एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा डिसबैलेंस्ड हो जाएगा. तो ये नाइट्रोजन क्या होना चाहिए रिटर्न होना चाहिए. तो नाइट्रोजन रिटर्न किस फॉर्म पर होगी. प्लांट्स जनरली टेक अप नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स एंड कन्वर्ट दैम इंटू अमोनिया एसिड. अब ये नाइट्रेट्स नाइट्राइड्स को प्लांट्स ने रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किया वाटर के साथ इसको एब्जॉर्ब किया और इसको अमोनिया एसिड में कन्वर्ट कर दिया. इससे फिर इसका यूज़ किसके लिए हुआ प्रोटीन के लिए क्योंकि पूरी प्रोटीन किससे फॉर्म हो रही है अमोनिया एसिड से. ठीक है. सम अदर बायोलॉजिकल पाथवे कुछ और सेल के अंदर बायोलॉजिकल पाथवे होते हैं जो कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं और नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं प्रोटीन भी फॉर्म हो रही है. ठीक है. इस प्रकार से ये एनिमल और प्लांट्स के पास ये चली गई. जब ये प्लांट्स और एनिमल डाई हुए तो उससे जो बैक्टीरिया उनकी बॉडी को क्या हुआ उनकी बॉडी डिजेनरेट हुई विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरीके से वो अगेन सॉइल पर आ जाएगा. किस पर आ जाएगा सॉइल पर आ जाएगा नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स के फॉर्म पर. ठीक है. डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया उस नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स को फिर से एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे. तो बैक्टीरिया यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन में. बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इन दिस वे नाइट्रोजन साइकिल इज गोइंग ऑन. सबसे पहले एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स के फॉर्म पर हुई नेचुरल मेथड से. फिर वो बैक्टीरिया के थ्रू वो नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स से अमोनिया कन्वर्ट हो गई अमोनिया से प्रोटीन फॉर्म हो गया. बहुत सारे बायोकेमिकल साइकिल उससे सेल के अंदर चल रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. देन आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेडेड ह्यूमन और प्लांट्स बॉडी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनटू अ एलिमेंटल नाइट्रोजन. दिस एलिमेंटल नाइट्रोजन आर फ्री नाइट्रोजन इट इज ईजली गो इनटू द एटमॉस्फेयर. दिस वे नाइट्रोजन साइकिल इज गोइंग ऑन. सो नाइट्रोजन साइकिल में आपको तीन पॉइंट्स लर्न करना है. फर्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन सेकेंड इज अमोनिफिकेशन थर्ड इज नाइट्रिफिकेशन फिर डीनाइट्रिफिकेशन. ठीक है. तो सबका आपको पर्पस पता होना चाहिए. नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है वो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी हो रहा है लैंड के थ्रू टेम्परेचर के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस हो रही है और नाइट्रेट्स के फॉर्म पर नाइट्रिक एसिड्स के फॉर्म पर कहाँ पर आ रहा है सॉइल पर आ रहा है. सॉइल पर उसको प्लांट्स ने ले लिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू वो प्रोटोप्लाज्म में फिर
पास हो गया, प्रोटोप्लाज्म से प्रोटोप्लाज्म सेलुलर एक्टिविटीज़ हुई, सेलुलर एक्टिविटीज़ से वो अमोनिया वगैरह में फॉर्म हुआ, फिर अमोनिफिकेशन प्रोसेस ही उसको कहते हैं कि फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग को अमोनिया में फॉर्मेशन हो जाना, इट इज़ कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन से नाइट्रेट्स में फॉर्म हो जाना नाइट्रिफिकेशन, और नाइट्रेट से एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाना डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये जो थ्री टर्म्स हैं ये अमोनिया के अलग अलग फॉर्म हैं, और इन दिस वे अमोनिया का साइकिल एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली चल रहा है। दैट्स अ रीज़न कि एटमॉस्फेयर में अमोनिया का परसेंटेज कॉन्स्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता। सो वी हैव फिनिश नाइट्रोजन साइकिल एंड वाटर साइकिल इन टूडेज लेक्चर। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड दिस वन। प्लीज़ मेक दिस डायग्राम नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड वाटर साइकिल इन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल थिंग। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।